हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज मेरे 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और मेरा जो वॉच टाइम था 4-4 घंटे का वो भी पूरा हो गया है। आप सबकी कृपा से, आप सबके प्यार से और प्रभु की कृपा से आज मेरा चैनल मोनोटाइज हो गया है। तो ऐसे ही अपना प्यार मेरे ऊपर बरसाए रखें और मेरे चैनल को शेयर करते रहें, जिससे कि और बंदों तक भी मेरी वीडियो पहुँच सके और मैं भी आगे बढ़ सकूँ आपके साथ साथ। और आपकी वजह से, आपके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ दुकान की सेटिंग को ही लेकर। तो वो क्या बातें मैं आपको बता देता हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे दुकान होती है, किसी किसी दुकान के आगे ना शेड नहीं होते, मतलब सामान लगाने के लिए कुछ होता नहीं, शेड वगैरह, तो सामान कैसे टांगेंगे बाहर। तो अब धूप आ जाते और सामान रखा भी नहीं जाता, ख़राब हो जाएगा बाहर। तो यहाँ पर सामान की सेटिंग कैसे करनी है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, मैंने एक सामान टांग रखा है, देखो लाइन बार। मेरे शॉप पर भी शेड, मतलब बाहर ना शेड था, तो शेड ना टूट गया है, कंपनी मतलब सरकार ने हटा दिया थे। तो ये सेटिंग आपको बता रहा हूँ ये कैसे होगी। देखो, सारा सामान मैंने इसी के ऊपर टांग रखा है और मेरी जो है शॉप, मतलब उसकी वजह से सेल भी बढ़ गई है। तो दिखा देता हूँ आपको, ये दिखा है, ये क्या चीज़ है मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है प्लास्टिक की जंजीर, ये देखो इसमें हुक भी बना हुआ है और ये लगभग इतनी लंबी है, काफ़ी लंबी हो जाती है ये। और इसमें ये बने हुए हैं इस तरह के, मतलब खाने बने हुए हैं, इसमें आप सामान फंसा सकते हो। वो कैसे फंसाओगे वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये हुक बना हुआ है, इस हुक को आप शटर के कोने में होता है ना, ये बंद करने वाला, इसमें ताला लगता है, उसमें अटका दो या आगे बोर्ड में फंसा दो, किसी भी छेद में से अटका दो आप। ये देखिए ये इतना लंबा होता है और मैंने भी ये देखिए लाइन वार इसमें सामान लगा रखा है, देखिए नीचे तक, और इससे ना असर भी पड़ा है। पहले सामान दिखता नहीं था, अब सामान ना दिखता और बिकता भी है। मैंने आपको बता रखा है पहले सामान दिखेगा तो ही बिकेगा। वो सेटिंग कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये ऑल पिन आते हैं बड़े वाले, ये देखिए कितने बड़े ऑल पिन हैं। इसके थ्रू मैंने सामानों को इस जंजीर के अंदर फंसा रखा है और फिर टांग देता हूँ। सामान भी कहीं नहीं गिरता, क्योंकि अगर मैं बांधूंगा तो सामान का जो गेटअप वो ख़राब हो जाएगा। तो इससे क्या, मैंने सामान को मतलब आसानी से ही फंसा रखा है, वो आपको दिखाता हूँ कैसे फंसा रखा है। देखिए ये देखिए, जैसे इसके अंदर ऑल पिन टांग दिया और ऑल पिन इसमें फंसा दिया, इसके अंदर भी ऐसा कर रखा है, छाते के अंदर भी ऐसा है, स्कूल बैग के अंदर भी ऐसा ही है। ये देखिए लगभग मैंने सब पे ऐसे सेटिंग कर रखी है। ये देखिए ये ऑल पिन फंसा के, ये हर चीज़ लाइन वार इस पर, सब मेरी जो मेन आइटम है जो स्टेशनरी के अलावा बिकती है वो सब मैंने इस पर टांग रखी है। तो ये चैन आपके लिए 2 या 3 बहुत रहेंगी, मार्केट में मिलेगी आपको। ये 50 वाली आई थी मेरी, ये 50 की, इसमें 50, 60, 70, 80 4 रेट आते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता। थोड़ा इसका प्लास्टिक की क्वालिटी का फ़र्क आता है और हल्का सा इसका फ़र्क आता है। जितना ज़्यादा ही हैवी सामान टांगना है उसके लिए थोड़ा मोटा वाला मिलता है। तो अपने स्टेशनरी के लिए ये 50 रुपये वाला बहुत सही रहेगा। देखिए एक तो यूनिक भी रखता है, अच्छा भी लगता है। आप ऐसे सामान नीचे रख दोगे, अब मैं छाते भी सही करूँगा, किसी स्टैंड में लगाऊंगा, ऐसे पेटी फट गई है बेकार लगता है। तो ऐसा सामान ना यूनिक भी लगता है, अच्छा भी लगता है। ये देखिए टंगा हुआ, बाकी तो मैंने सेटिंग आपको दिखाई रखी है, इस तरह हुक में लगा रखे हैं, इसमें फंसा रखा है, क्योंकि फालतू भी कील ठोको तो दीवार ख़राब हो जाती है। कील मैंने ज़रूरत के हिसाब से ठोक रखे हैं, ये देखिए जो ज़रूरत के हिसाब से। और सामान को मैं सेटिंग इसलिए करता हूँ कि सामान दिखे और बिके, क्योंकि अंदर पड़ा रहेगा तो बिकेगा नहीं। ऐसे मैंने स्टडी, अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चों को पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी, तो बच्चे ना जैसे पढ़ते पढ़ते ना उनके ना गर्दन में दर्द हो जाती है, तो उसके लिए ना स्टडी टेबल लेते हैं। ये तो लैपटॉप वाली टेबल होती है, इसमें आप मोबाइल भी फंसा सकते हो, या लैपटॉप रख लो, यहाँ पर भी कुछ रखने का हिसाब किताब है बच्चों का, यहाँ पर आप पानी पीने के लिए कुछ भी रख सकते हो। लैपटॉप टेबल क्या है, नीचे वायर निकाल लो, गोद में कीबोर्ड रख लो, मतलब लैपटॉप टेबल ही कहते हैं। इसमें आप मोबाइल भी फंसा सकते हो, तो बच्चे मोबाइल में देख के बड़ा काम करते हैं ना, तो ये होती है लैपटॉप टेबल। एक आती है इस तरह की स्टडी टेबल सिंपल वाली, ये देखिए बच्चे के कार्टून बने रहते हैं, यूनिकॉर्न हो गया, ये हो गया हाथी हो गया, ये लूडो वाला हो गया, ये होगी गर्ल्स बनी होगी, ये वुड वाला हो गया। तो ऐसे ऐसे ये स्टडी टेबल मैंने रखे हुए हैं। तो अब यह है कि मैंने भी लिमिटेड रखे, ज़्यादा नहीं रखे, तो अब ये बिकने का यही टाइम होता है इसमें, जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें कार्टून बने होते हैं तो बच्चों को पसंद आता है। अब मैंने अंदर रखे थे, मैंने अपने गोडाउन जो पीछे बना रखा है मैंने बाहर निकाल के रख दिए ने कि बिकेंगे। कोलाज मैंने सामने खोल के रख दिए, क्योंकि ज़्यादातर कोलाज जो है ये डब्बों में पैक पड़े हैं, ये तो है, जब कस्टमर और मांगेगा तो उसको दिखाने के लिए, लेकिन कस्टमर को यहाँ से ये पता लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ इनकी दुकान पर मिलती है। अगर ये अंदर पड़ी रहेगी ना तो बिकेगी नहीं, ऐसे टेबल अंदर पड़े रहते हैं तो बिकते नहीं है। मैंने बाहर इसलिए अब निकाल के लगा दिए हैं कि अब बच्चे जब सामान लेने आएंगे ना तो वो ले लेते हैं ये चीज़ें ना, माँ बाप भी देखते हैं यार बच्चों के लिए चाहिए, और हम भी बच्चों का काम करते हैं, हमारे कमरे में दर्द हो जाती है, तो इससे ना बच्चों को झुकाव नहीं पड़ता ज़्यादा, तो इसलिए ये बिकती हैं। उनके ना गर्दन में आजकल बच्चों के बड़ा सर्वाइकल का दर्द होता है, फिर ज़्यादा झुकाव थे ना, तो इसमें झुकाव भी कम होता है गर्दन में, तो ये सेल भी होते हैं इस टाइम ना, तो इसमें बड़े भी यूज़ कर लेते हैं और छोटे भी यूज़ कर लेते हैं, सारी काफ़ी सारी और आइटमें भी इसमें आती हैं। तो ये चीज़ ऐसे मैंने निकाल के रख दी है।
और जैसे मैंने सामान तो आपको विधायक बताया कि टांग रखा है, मैंने काउंटर भी अपना चश्मे जैसे ऐसे सेट कर रखे हैं। काउंटर ना हमेशा आपको अपना भरा हुआ रखना है, लेकिन काउंटर पे वो चीज़ रखनी है जो मतलब अलग से बिकने वाली, जैसे कहानी है मैंने ये काउंटर पे रखी है, अगर मैं इसे वहाँ रख दूंगा तो नहीं बिकेंगी। ये कलर बुक है, इसमें बड़ी छोटी और ये मीडियम साइज तीनों रखी हैं, यहाँ पे रख रख के बहुत बिक जाती हैं। माँ बाप ना देखते देखते अच्छा ये कितने की है कितने की, ऐसे ऐसे बहुत सामान ले जाते हैं। ये घड़ियाँ हैं मैंने काउंटर पर रख रखी हैं, देखिए ऐसे ऐसी ये शाकला का बुम्बू वाली पेंसिल है, ये डोम्स के ऐसे गिफ्ट वाली पेंसिल है, मतलब से 20 होता है ये अच्छी चलती है, ऐसे ऐसी चीज़ें ना काउंटर पर रख के बिकती हैं। बाकी तो स्टेशनरी मैंने रखी हुई है, लोगों को मेन मेन चीज़ जो और होती है वो तो ऐसे रखी हैं, लोगों को दिख जाती है, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें ना आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, अगर आप हाईलाइट नहीं करोगे ना तो ये बिकेंगी नहीं, ये पड़ी रहेंगी। जो जो चीज़ें मैं लाता हूँ ये सब लगभग बिक जाती हैं। फिर और लाता हूँ, ये बच्चों का पिगी बैंक है ये छोटा सा, ये टेबल शॉपनर है, ये सब रखा हुआ मैंने यहाँ पर। और जो जैसे आप नया पेन लाओगे ना, जैसे कोई भी नया पेन लाओगे तो उसे ना ऐसे ऐसे लगा देता हूँ मैं कील ठोक के, जैसे ये है, अगर मैं इसे ऐसे रख दूंगा तो ये बिकेगा नहीं। बच्चे ना देख देख के ऐसे ही चीज़ें लेके जाते हैं, देखो एक ग्लिटर पेन है एकदम बढ़िया वाले इम्पोर्टेड, ऐसे फ्लेयर के हैं ये रखे हैं, ये कलर पेन है, ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने काफ़ी हाईलाइट कर रखी हैं कि बिकेंगी और बिकती भी हैं। जैसे ये सब मेन मेन चीज़ें ना इस पे टांग रखी है मैंने, जो नया नया सामान रहता है इस पे टांगता रहता हूँ मैं, अगर क्योंकि जो रेगुलर चलने वाले आइटम है तो बच्चे मांग लेते हैं भाई ये कॉपी दे दो, ये पेन दे दो, ये चीज़ दे दो, ऐसी चीज़ें ना देख के ही बिकेंगी आपकी, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता ऐसी भी कोई चीज़ आई है। नियॉन कलर करते थे, किसी को पता ही नहीं ऐसी भी कोई चीज़ आई है, तो पूरे पूरे पैकेट भी ले आते ले आने वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर है, इसके अंदर 48 पेन आते हैं और बहुत बिकता है। ऐसे नियॉन जेल पेन है ये 5 वाला है, ये फ्लेयर का है, इरेजेबल हाईलाइटर ये बड़ा बिकता है, ऐसे ही चीज़ें हर दुकान पर मिलती नहीं है, तो मैं ऐसे ही चीज़ें ना सामने टांग के रखता हूँ। देखो ये गिफ्ट वगैरह मतलब बच्चों के जो पेंसिल किट वगैरह पर्स वगैरह, ये कलर पेन हो गए, ये वाले कलर पेन हो गए, ये प्राइम गोल्ड हो गया, ये गिफ्ट की तरह, तो ऐसे ही चीज़ें ना सामने टांग के रखता हूँ मैं और बिकती रहती है। पंचिंग मशीन है हर कोई नहीं रखता, मैंने सामने टांग के रखी है, अगर मैं इसे अंदर रख दूंगा तो कोई पूछेगा नहीं, ये पूछ पूछ के बिक जाती है, तो ऐसे चीज़ें ना सेटिंग करता रहता है। जैसे फ्लेयर क्रिएटिव पॉपिंग पेन है ये भी बिकते रहता, सामने चीज़ होगी ना तो बच्चा अपने आप मांगेगा। ये है हाईलाइटर है ये सेलो के, तो कार्ट एंड क्राफ्ट का देख देख के बहुत सारा ले जाते हैं, वैसे मैं दूंगा ना उठा के तो थोड़ा बहुत बिकेगा, वो देख देख के बहुत सारा लेके जाते हैं, इसलिए मैं सामान को ना यहाँ लगा के रख देता हूँ। और ऐसे सेल भी ज़्यादा होती है, अगर आपने शॉप की सेल बढ़ानी है ना तो इस तरह ही बढ़ेगी, क्योंकि अगर आप सब सामान अंदर रख दोगे ना तो कस्टमर वो चीज़ मांगेगा जो रेगुलर चलने वाली है, वो कहेगा भैया कॉपी दे दो, वो सेलो टेप है, वो डबल टेप है, वो वाली कॉपी है, वो पेन है, वो लेके चला जाएगा। और ऐसे ऐसी चीज़ें जब वो देखेगा छाते हैं तो मैंने यहाँ रख दिए और सामने भी टांग दिए, मोबाइल का इधर टंगा हुआ है, खिलौने इधर लगा दिए मैंने, अब जैसे नैपकिन है मैंने यहाँ रख दिए अंदर नहीं रखे, फॉइल पेपर यहाँ रख दिए, तो ऐसे ही चीज़ें ना मैं रखता रहता हूँ। और सामान की ना जगह आपको बार बार चेंज करनी पड़ेगी, अगर है ना ऐसे ही पड़ा रहेगा, जैसे आप दिवाली पे होता है बंदा ना दिवाली पे सफाई करते करते अपना कभी बेड इधर करता है कभी उधर करता है, ऐसे दुकान है जैसे कुछ ना कुछ ना मैं हर 15 दिन में चेंजिंग करता हूँ। जैसे बॉल आई मैंने ऊपर टांग दी, मैं बॉल नीचे रख दूंगा तो नहीं बिकेगी, ऊपर बच्चा देखता है जिद करता है देख के कि हाँ बॉल चाहिए मेरे को पापा बॉल चाहिए, वो बॉल बिक जाती है। फिर ऐसे ऐसे ना चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। ये कलर शीट है ये देख के बिकती है क्योंकि हर दुकान पे नहीं मिलती, इसलिए मैंने इसे ये वाली सिंपल वाली कोने में रख दी मैंने, क्योंकि हर कोई हर दुकान में मिलती है पता, ये मैंने ऊपर लगा रखी है क्योंकि ऐसे देख के बिकेगी ये और इनमें इनकम भी है। तो हर चीज़ को ना आपको चेंज ना सामान ना मतलब जगह जो है ना चेंज करनी पड़ेगी थोड़ा थोड़ा दिन बाद, तभी आपका सामान बिकेगा। मैं हर चीज़ अच्छा एक चीज़ और बता दूँ आपको, मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने रेट लिखे होते हैं इन पर हर चीज़ों पर, मैंने आपको बता भी रखा है रेट के बारे में, जैसे मैंने इस पर रेट लिख दिया 260, ये साफ पता लग रहा है मेरे हाथ का लिखा हुआ है, सब चीज़ पे साफ पता लग रहा है कि हाँ ये हमारे हाथ का लिखा हुआ है। तो कस्टमर कहता है ये तो आपने रेट लिखे हैं, ये तो ऐसा कोई रेट ही नहीं होता, कई चीज़ों पे है हमें रेट लिखने पड़ते हैं याद करने के लिए, तो उसके लिए बहुत स्पेशल चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। स्कूल बैग में भी ऐसे होता है क्योंकि हाथ का लिखा हुआ तो अलग पता लग जाएगा, तो ऐसा कस्टमर कहता है भैया तो आपने हाथ से लिखा अपने रेट डाल रखे इसमें क्या मैं मान लें हम, तो उसके 100 रुपये बताते हैं 250 के बैग के भी। तो इस चीज़ के लिए मैं एक सोल्यूशन ढूंढा आपको बताता हूँ मैं, तो वो सोल्यूशन है ये, यह है प्राइस मतलब प्राइस वाली गन, इसे आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा इसके अंदर ना, और एक रोल होता है मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का ये, तो ये खोलने में इस तरह की है, इसके अंदर ये रोल लगा होता है और इसके अंदर इंक डलती है। तो जैसे मैंने इसमें 225 सेट रखा, देखिए अब मैं ये हैंडल है और इसको दबाऊंगा ये निकल आया देखो एक और ये चिपक जाएगी, अभी आपको ये भी दिखाता हूँ ये चिपक जाएगी चिट है ना, अब ये कैसे चिपकेगी आपको दिखाता हूँ जरा एक मिनट। अब ये मैंने इसके ऊपर से ये कट के खुद ही कटी हुई मिलेगी, इसके पीछे चिपकन होती है, जैसे मैंने ये लगा दिया देखो चिपक गई। अब इसमें आपको पता लग रहा है ये कि आपने लिखा है, साफ पता लग गया भैया पीछे से रेट है ये,
तो ऐसे ही जो भी ब्रांडेड होते हैं ना, जो शोरूम होते हैं या मॉल खोलते हैं, किराने के स्टोर के मॉल होते हैं ना, तो हर चीज होती है, वो ये गन लेके रखते हैं। ये गन इसमें आप रेट सेट करना है आपको, और ऐसे कट 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 कर, जैसे 225 वाली चीज है, पहले 225 पर सेट कर लो, फटाफट सब पे मारते रहो, चिपकता रहेगा हाथों हाथ, फटाफट कट कट करते चिपकता रहेगा। फिर जो भी रेट वाली चीज है, पहले कहने मतलब है, जैसे 100 वाली चीज है वो एक लाइन में पहले रख लो कि यहाँ 100 वाला इसमें सेट कर ले टाइमर डायरेक्ट, मतलब रेट, और उसे फटाफट लगा लिया। ऐसे कोई 200 वाली चीज है, उसमें 200 पहले सामान निकाल के रख लो और इस पर 200 सेट कर लिया, फटाफट टिक 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 करते रहो, और ये सामान जो है इस पर रेट आते रहेंगे। अब देखो, एक तो लेबल लगा हुआ बढ़िया लग रहा है, अपने लिखे हुए रेट कितने गंदे लग रहे हैं, अब इस पर लिखा हुआ रेट कितना अच्छा लग रहा है, देखो ये कैसा अजीब से लग रहा है, अपने लिखे हुए अलग ही लिखता है कि यहाँ कुछ रखा हुआ। जब ये लगा होगा ना लेबल, तो उसमें कस्टमर कोई ज्यादा आवाज नहीं उठाएगा आपके, एक तो रेट अच्छे बिकेंगे। अब वो क्या, वो आजकल लोगों को पता है कि डबल रेट लिख देता है दुकानदार, मेरे साथ ये हुआ है, दुकानदार कहता है आपने डबल रेट लिखे हैं, सबको पता है लिखे होते हैं। जब ये चीज लगाओगे ना, तो कोई कस्टमर नहीं कहेगा आपने डबल रेट लिखे हुए, वो इसके हिसाब से आपको पैसे दे के जाएगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है। ये गन होलसेल में 200 रुपये की आती है, मार्केट में आपको, मेरे पड़ोसी 300 की भी लाया था, एक 250 की लाया था, मैं 200 की लाया हूँ। ये रोल इसका 20 रुपये का आता है, 15 से 20 रुपये का, ध्यान नहीं है, मैं कल ही लाया था, और इसकी सेटिंग जरा मेरे को अभी पूरी ध्यान नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, ये देखो ये दिख रहा है सेट, ये बटन है ना साइड में, इसे बाहर निकाल के सेट करना पड़ता है। वो तो दुकानदार जिससे आप लोगे वो खुद बता देगा कि सेटिंग कैसे करनी है। तो ये गन बहुत जरूरी है आपकी दुकान के लिए। अब देखो, मैंने इससे लेबल चिपकाया, एक तो चिपक गया बढ़िया करके, वो जो स्टिकर होगा ना, वो जो आप खुद लगाओगे, जैसे ये खुद लगाओगे स्टिकर, देखो कहते उतरते रहते हैं ये ना, उतरते रहते हैं, और इसका लेबल लगाया हुआ ना एकदम चिपका रहेगा, इसका चिपकन बढ़िया है, इसका पेपर भी बढ़िया है। अब टेबल पे मैं खुद अगर रेट लिख दिया ना, तो मेरे ढंग से बिकेंगे नहीं। अब मैं इन पे सब पे ही काम करूंगा, जिस पे ही मैंने लिखे हुए हैं, बस सब पे लेबल उतार दूंगा और इस गंदे डालूंगा रेट, सबसे बढ़िया रहेगा, कस्टमर रेट भी अच्छे देके जाएगा और अपना काम भी चलेगा, और दुकान के लिए अच्छी भी लगती है चीज़ें ना, हाथ से लिखी और मशीन के काम वाली चीज़ अच्छी भी लगती है। तो लगभग आपको मैंने अपनी दुकान की सारी सेटिंग दिखाता रहता हूँ, मैं चेंज जो करता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ, और जो भी बदलाव आता है, जो नई चीज़ आती है, सब दिखाता रहता हूँ। जैसे खुली पेंसिल है, मैंने इसे ऐसे खड़ी कर रखी है, डिब्बे में पड़ी भी नहीं बिकती, मैंने इसे खड़ी कर रखी है। पेन, ये स्पेशल पेंसिल है, सब चीज़ काउंटर मेरा स्पेशल भरा हुआ है, देखिए कितना अच्छा लगता है काउंटर भरा हुआ। कस्टमर आता है मेरी दुकान पर, खुश हो जाते हैं, तो उसको मन लगता है सामान देख देख के, देखिए यहाँ भी सारा भर रखा है मैंने, और बाहर से मेरी दुकान पूरी भरी हुई लिखती है। मैं देखो दिखा देता हूँ सारी दुकान, ये देखिए सारी दुकान मेरी, लगभग कस्टमर जब घुसेगा ना, तो उसे हर आइटम मेरी दुकान पर दिखेगी। तो आपको अपना काउंटर एक तो भर के रखना, चाहे थोड़ा रखो सामान, काउंटर को कभी खाली ना छोड़ो उससे, क्योंकि बच्चा जब आएगा ना, वही काउंटर पे देख के सामान मांगेगा, माँ बाप तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन जो बच्चे की आइटम है या किसी ने गिफ्ट आइटम लेनी है, वो काउंटर पे देख के ही मांगेगा, वो स्पेशल नहीं मांगेगा। तो हर चीज़ को ना आप हाईलाइट करनी पड़ेगी, और रेट का मैंने आपको बता दिया कैसे उस पर रेट लिस्ट आपको लगाने हैं।